नमस्कार दोस्तों, कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे थे। फिर से ट्राई कर रहे हैं। तो हमारे साथ में शैलेंद्र कुमार जी, वो इस वक्त अपने ड्यूटी से फ्री होके कैसे हैं? नमस्कार। हाँ नमस्कार, ठीक है, बढ़िया है। फाइनली फाइनली कनेक्ट हो गए आप, किसी और आईडी से जुड़ पाए हो? हाँ हाँ, उस आईडी में कुछ दिक्कत हो रही थी आपके। कुछ तो आवाज आ रहा है आपके साइड से। अच्छा, वो दूसरे वाले मोबाइल से वो। हेलो। हाँ अभी Hello? अभी क्लियर है। क्या घर पहुंच गए हैं आप? हाँ घर पहुंच गए हैं, वासु मेरी गोद में है। चलिए अच्छा है। कैसा चल रहा है आपका, मतलब वहाँ का? नहीं बढ़िया है, इस समय सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों तक तो बरसात बरसात हुई थी, तो उसमें कुछ गर्मी में कमी आई थी, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से बारिश न होने के कारण गर्मी तेज पड़ रही है। तो क्या माहौल है अभी, मतलब आप लोगों को तो 24 आवर्स जब भी आप बाहर निकलते होंगे तो मतलब एक तरह से डेंजर में ही रहते हैं कि कितना प्रिकॉशंस लेने के बावजूद भी आप लोग जिस तरह से लगे पड़े हुए हैं, तो वो तो एक सराहनीय कदम है। और तो किस तरह से आप जो सरकारी सेवक होते हैं वो लोक सेवक होते हैं, और लोक सेवक का दायित्व होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो या किसी प्रकार की चुनौतियां हो, उसका सीधे सीधे सामना करें। और हम लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाती है, कोशिश ये की जाती है कि उसको अच्छे से हम लोग उसको निभा सके और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर सके। धीरज शुक्ला जी नमस्कार कह रहे हैं आपको। नमस्कार। तो क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं आप जब भी ड्यूटी पे होते हैं, तो क्या क्या चीजें करते हैं अभी? मेनली हम लोग ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, टाइम टू टाइम हैंड सैनिटाइजेशन करते हैं, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, मुंह पर मास्क लगाते हैं, और फिर यही सब 2-3 चीजों पे, महत्वपूर्ण चीजों पे केंद्रित करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। बाकी आजकल कोरोना से बचने के लिए एक आरोग्य सेतु ऐप आया हुआ है, कोशिश ये की जाती है जितने लोग संपर्क में आए सबको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करा दिया जाए, ताकि इससे सभी को समय समय पे अलर्ट मिलता रहे। हाँ 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 तो अभी क्या लग रहा है आपको, मतलब केसेस तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इन केसेस को कैसे कंट्रोल में मतलब गवर्नमेंट करना चाह रही है, और क्या लग रहा है कितने दिन तक अभी चलेगा, किस तरह से अभी माहौल बन रहा है? अभी देखिए ये बात तो बताना मुश्किल है कितने दिन तक चलेगा, लेकिन ये है कि अब मॉर्टेलिटी रेट यहाँ भारत में तो बहुत कम है, साथ में जो रिकवरी रेट है, मतलब जिसको कोरोना हो जा रहा है उससे ठीक होने की दर उच्च है, इसकी वजह से कोरोना जो शुरुआत में भया हुआ था वो अब नहीं रह गई है। तो अभी घर वालों को डर नहीं लगता आपके, मतलब फैमिली, बच्चे हैं, वाइफ हैं, मम्मी पापा हैं, वो आपसे क्या कहते हैं कि मतलब आप इस रिस्क में जाते हैं, जब भी आते हैं रिस्क में ही आते होंगे, इतने सारे केसेस सुनने को मिल रहे हैं कि इतने अधिकारी संक्रमित हो गए, तो क्या उनका रिएक्शन रहता है? नहीं, मेरे पिताजी स्वयं सरकारी सेवक रहे हैं, जिन्होंने लगभग 39 साल तक नौकरी की थी, तो नौकरी की चुनौतियों को जानते हैं, इसलिए वो केवल समय समय पे सलाह देते रहते हैं कि जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन किया करो, और
कोशिश ये करो कि इन सब चीजों से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने आप को सेफ रखो। और पापा को तो सरकारी कार्य का अनुभव है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होते हैं। बाकी कई मित्रों की दुआएं, ऊपर वाले का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद है, इसलिए कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। नहीं, सही है। तो अच्छा ये बताइए कि क्या सरकार की तरफ से जो चीज करनी चाहिए इस मतलब कोरोना को संक्रमण को कम करने के लिए या रोकने के लिए, तो क्या वो किया जा रहा है आपके हिसाब से? क्योंकि अभी देखा जाए तो हम टॉप 5 में पहुंचने वाले हैं। कहां हम मतलब जब ही स्टार्ट हुआ था तो 40s में थे, मतलब 40 कंट्री हमसे आगे थी, आज हम टॉप 5 में पहुंच चुके हैं। और एक्चुअली देखिए किस तरह से आप देख रहे हैं। अब देखिए भारत की जनसंख्या और हम लोग, लेकिन संख्यात्मक रूप से देखेंगे तो हो सकता है कि पांचवें स्थान पे हो या किसी अन्य स्थान पे हो, लेकिन जो संक्रमण के फैलने के साथ साथ रिकवरी रेट है वो पूरे विश्व में सबसे अच्छा इंडिया में है, और जो मॉर्टेलिटी रेट है वो भी भारत में सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ सबसे कम है। इसलिए इसमें सार्थक बात ये है कि हम लोग इससे बहुत कम प्रभावित हैं। चलिए ये तो हो गया, क्या बोलते हैं कि आपका इस समय कोरोना का इस समय तो, हो गया। हाँ हाँ, तो एक एक कुछ मैसेज दे दीजिए जो आम जनता है उसको, उसके बाद कुछ हम पर्सनल चीजों पे डिस्कस करेंगे, कुछ बातें करेंगे। क्या आम जनता क्या कहना चाहेंगे? मैसेज है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई पे ध्यान रखें, बाहर निकले तो मास्क लगा करके निकले और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहें। और इसके प्रति जो भयावहता है लोगों में वो भयावहता न पाले, धैर्य रखें। और धैर्य रखने से न केवल इसको काबू किया जा सकता है अपितु इसका जो अफवाह है उसको भी रोक लग सकती है। और कोशिश ये करें कि स्वयं आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और जो संपर्क में आते हैं उनसे भी अधिक से अधिक आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराने के लिए प्रेरित करें। अच्छा चलिए फिर हम चलते हैं अपने अतीत में, बचपन की कुछ यादें जो आप शेयर करना चाहते हैं। देखिए हम लोगों का अतीत तो एक ही जगह से जुड़ा हुआ है, सूर्यावा के आप भी सूर्यावा के होंगे। और आपके एक फिल्म अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुई थी, ये वादा रहा, तो संजोग अच्छा रहा कि हमारे साथ में हम लोग पढ़े थे सुजीत शर्मा, वही डायरेक्टर है उसके, सुजीत जी। तो हम लोगों को बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे साथ के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग इतना आगे जा रहे हैं, और हमारी मतलब दुआएं हैं कि ये लोग न केवल भोजपुरी फिल्मों में, बॉलीवुड की फिल्मों में ये काफी सफल हो और अपने क्षेत्र का नाम रोशन हो। हाँ भाई, सुजीत भाई से कल इस टाइम पे डिस्कस कर था, हमारा डिस्कशन हो रहा था। हाँ तो एक चीज और, आप और सुजीत जी काफी अच्छे मित्र रहे हैं और साथ बचपन में एक ही स्कूल में आप लोगों ने एजुकेशन भी लिया था, राइट? आप इस फील्ड में आ गए, वो दूसरे फील्ड में चले गए, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये चीजें हुई? देखिए जो इसमें थोड़ा सा कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा एक मोटी मोटा आंकड़ा ये है कि जो हिम्मती लोग होते हैं वो प्रयोग करते हैं, जो हिम्मती नहीं होते वो लकीर के फकीर होते हैं। तो हम लोग, हम तो लकीर के फकीर थे, पढ़ाई किए
पढ़ाई करने का एक उद्देश्य है, नौकरी पा गए। और सुजीत शर्मा हिम्मती थे, उन्होंने ट्राई किया, एक नया क्षेत्र और नया मुकाम हासिल किया, यही अंतर है। ये बात है। तो कुछ अच्छी आदतें तो आपने बताई कि आप पढ़ाई में अच्छे थे। नहीं, हम पढ़ाई में, हमने कभी नहीं कहा कि हम अच्छे थे, हमने तो कहा हम लोग पढ़ाई किया नौकरी पा गए। पढ़ाई में तो मैं बहुत लापरवाह हुआ करता था, मेरी लापरवाही कुरियाओं में जग जाहिर थी। अच्छा, तो क्या क्या और ऐसी चीजें जो थी जो बुरी आदतें थी आपकी बचपन की? बुरी आदतें थी, जिस क्षेत्र में आप हैं उसी क्षेत्र की बुरी आदतें थी। हर हफ्ते फिल्म देखने की आदत थी, सूर्याओं उस समय दो टाकीज हुआ करते थे, किमांक और एक साई चित्र मंदिर, तो सप्ताह में दो फिल्में उसमें लगती थी, दो फिल्में मैं जरूर देखता था। और जिस दिन फिल्में देखने जाता था उस दिन तो पढ़ाई और ट्यूशन और स्कूल तो गुल हो ही जाता था। अच्छा, ये बताइए कि ऐसी कोई एक चीज जो बचपन में आपने करी हो और आज आज अपने बच्चों को मना करते कि नहीं बेटा वो मत करना, वही क्योंकि पढ़ने में सुजीत लापरवाही। सुजीत को भी लाइन पे लेते हैं। हाँ, ले लीजिए ले लीजिए। आजा आजा, अरे आजा आजा, साथ में सेल्फी लेते हो, आजा देखा। वो लाइन पे नहीं आ रहे शायद। चलिए, वो मैसेज के थ्रू हमसे बात करेंगे, अगर देख रहे हैं तो वो मैसेज के थ्रू जो भी पूछना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। तो ऐसी कोई एक आदत जो आपकी बचपन में थी और आप अपने बच्चों को अभी मना करते कि नहीं ऐसा बेटा मत किया करो, और जबकि आपने वो चीजें की है। भाई पढ़ाई में लापरवाही जो मैंने की है, मैं चाहता मेरे बच्चे ना करें, लेकिन करते तो हैं। तो लापरवाही करने के बाद आज आप इस जगह पे हैं। अगर बच्चे लापरवाही नहीं करेंगे तो कहाँ पे पहुंचेंगे? देखिए, बात लापरवाही की नहीं होती है, लापरवाही तो अपनी जगह है, बचपना होता है तो सभी लोग लापरवाही करते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं। और रही बात जिस दिन ये हो जाता है निर्धारित कि हमें कुछ करना है, तो उस दिन से फिर लापरवाही समाप्त हो जाती है, व्यक्ति सीरियसली लेता है और अपने लक्ष्य को की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ मेहनत करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता है। और थोड़ी बहुत हमने भी मेहनत की थी तो यहाँ तक पहुंच गए। कभी आपने अपने टीचर्स को आप सुन पा रहे हैं मुझे? धीरे शुक्ला जी नमस्कार, सुमित कैसे हो? लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गए, फिर से उनको मैं कनेक्ट कर रहा हूं। हेलो, हाँ मैं आपका लगता प्रश्न है कि नहीं, डिस्कनेक्ट हो गए थे आप। हाँ, वो कुछ हो गया था तो मैं आपकी बात पूरा नहीं सुन पाया था। हेलो, अरे आप बोलिए बोलिए। अरे मैंने अभी बोला मैंने जो, हाँ हाँ, जो क्या आपने कह रहे हैं? पिछला प्रश्न पूछा, जो पिछला प्रश्न पूछा था वो डिस्कनेक्ट होने के कारण मैं सुन नहीं पाया था। हाँ, मैंने ये बोला कि कभी आपने अपने टीचर्स को परेशान किया है, और अगर परेशान किया है तो किस तरह से परेशान किया है? परेशान तो किया है परेशान तो किया है, लेकिन इस तरह से लाइव बताना उचित नहीं है। परेशान तो बहुत किया है। तो किस तरह से करते थे, मतलब परेशान करते थे तो किस तरह से करते थे? वही जब पढ़ाया जाता था तो प्रश्नों में उलझा करके परेशान किया है। अच्छा, मतलब उल्टा उनको ही ऐसे क्वेश्चन पूछते थे कि वो खुद उलझ जाते थे। हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ है जिसमें काफी बहस भी हुई है, डांट भी पड़ी है, धमकी भी मिली है, तुम्हारे पापा से शिकायत कर दी जाएगी। खैर ये बात मैं एकदम ओपनली नहीं बताऊंगा,
लेकिन ये बात सुजीत शर्मा को भी पता है, शिव को भी पता है, इवन के साथ में पढ़ने वाले रिंकू वगैरह जितने हैं सभी लोगों को पता है। तो आप लोग कभी स्कूल बंक करते थे? स्कूल बंक करके खेलने फिर देख? नहीं, मैं तो बहुत करता था बंक, बाकी और लोग नहीं करते थे। आपने सबसे पहली फिल्म कौन सी देखी? मैं अपनी सबसे पहली फिल्म अपने चाचा जी की गोद में बैठ करके घर द्वार फिल्म देखी थी, वो भी टकसाल एक टाकीज है बनारस की, उसमें बहुत छोटा था मैं। ओके, मैंने भी पहली बस फिल्म उसका वही बनारस में ही देखी टकसाल में। उसकी एक सीन याद है, कोई एक चोर रहता है, चोर नहीं रहता, कोई हीरो ही रहता है, कुछ चोरी करके भागता रहता है, तो राजकिरण या कोई और रहता है, उसको पैर से लंगड़ी फंसा देता तो गिर जाता है, तो पकड़ में आ जाता है। बस वही सीन मुझे याद था, जब दोबारा बड़े होने पर उस फिल्म को देखा तो मुझे याद आया कि मुझे यही एक सीन याद था उसका, बाकी इतना पता था कि मैं केवल एक फिल्म देखा हूँ, वो जो शुरुआत किया था अपने चाचा जी के गोद में बैठ करके। कभी किसी कॉलेज के टाइम पे कभी किसी दूसरे लड़कों से मारपीट या वैसा कुछ सिचुएशन बना? ये मारपीट करने का भूत नहीं था तो कैसे सिचुएशन बनता, मैं अग्रेसिव नहीं था, हाँ मैं अग्रेसिव नहीं था, मारपीट तो कभी नहीं किसी से किया, अलबत्ता जिस जो मेरे संपर्क में आया सब दोस्त बनता गया। ओके। जैसे कि सुजीत हमेशा क्रिकेट खेलते थे तो आपको क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं था शायद? हाँ, क्रिकेट में इंटरेस्ट हमेशा से कम रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो जो उम्र बढ़ती गई क्रिकेट के प्रति मेरी रुचि कम हो, एकदम कम से कमतर होती गई। ओके, तो एक क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन है, आप आंसर देना चाहे या नहीं देना चाहे। आप अभी देखिए शादीशुदा है, देने बच्चे लायक भी होगा हैं। दे देंगे। हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर। तो शादीशुदा है, लाइफ में बच्चे भी हैं, वाइफ भी हैं, भाभी से मेरी मुलाकात भी हुई है, तो बहुत अच्छी हैं वो। शादी से पहले धन्यवाद। आपके लाइफ में कोई और था क्या? शादी के पहले इतना मैं योग्य ही नहीं था कोई होता शादी के पहले। हाँ ये सच बोल रहे हैं क्योंकि आपके सारे दोस्त लोग सुन रहे होंगे। नहीं, दोस्त को असलियत पता है, सभी जानते हैं, मैं बस केवल यही है कि थोड़ा सा बाद में इंटर करने के बाद थोड़ा सा मैं सीरियस हुआ पढ़ाई में, तो अच्छा हाँ थोड़ा सा सीरियस हुआ, तो बाकी इस मामले में थोड़ा सा आगे निकल गया अपने साथ वालों से, नहीं तो हर मामले में अपने साथ के लड़कों से फिसड्डी ही रहा हूँ। तो और इस मामले में आपके ग्रुप में कौन सबसे आगे था? क्या चाहते हैं, झगड़ा कराना चाहते हैं? नहीं, झगड़ा नहीं, ये तो एक नॉर्मल नॉर्मल किसी कोई देखिए एक, देखिए हर एक ग्रुप में हर एक क्वालिटी के कुछ न कुछ लोग होते हैं। देखिए बताए, जो फिल्मी सितारे होते हैं उनके ये सब चीजें बहुत होती हैं, तो आपके होंगे पक्का है, आप फिल्मी सितारे हो। देखिए ये बात कोई हम बात नहीं, वही फिल्मी सितारे भी तो वही एजुकेशन, वही गांव या वहीं से आते हैं ना। हम लोग बचपन से फिल्मी सितारे तो बनते नहीं है। नहीं, जैसे कि हम जैसे लोग जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, जैसे आप हैं, तो बनते हैं, बचपन से तो नहीं होते हैं लेकिन बाद में बनते हैं, लेकिन जो बॉलीवुड में इस समय जो पौध आ रही है पिछले 10-15 सालों से, सब तो बॉलीवुड के बच्चे ही है, मतलब स्टार के बच्चे ही आते हैं, तो वो तो बचपन से ही हैं। उनकी बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब जिनको पता भी नहीं होता बचपन में, वो इस लाइन में आते हैं। वो जरूरी नहीं होता कि वो ऐसे हो। आज के डेट में बॉलीवुड हो या कोई और इंडस्ट्री हो, एक तरह से हर किसी की विचारधारा बदली है, सोच बदली है। पहले पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे दादाजी पसंद नहीं करते थे इस फिल्म लाइन को, लेकिन आज के जनरेशन में हम देख रहे हैं तो हर घर के सदस्य चाहते हैं कि हमारे घर का एक बच्चा इंडस्ट्री में। तो सोच बदली है, काम करने का तरीका बदला है। हाँ ये तो है, देखिए शुरुआत में कोई भी क्षेत्र हो उसको वो महत्ता नहीं मिल पाती है जितनी मिलनी चाहिए, लेकिन समय समय जब कोई क्षेत्र
चीज है वो विकास करता है तो उसकी महत्ता बढ़ती रहती है, लोग आकृष्ट भी होते हैं। पहले, बहुत पहले की बात है जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, 50-60 के दशक की बात है, जो कहानियां किससे सुनने को आते हैं, मिलते हैं समाचार पत्रों से या फिर टीवी चैनल से, कि पहले लोग फिल्मों में काम करना पसंद नहीं किया करते थे। बहुत से ऐसे एक्टर के घर वालों ने बहुत विरोध किया। अच्छा, आप अब लेकिन अब है, लोग चाहते हैं करें। जी हाँ, आपके दो बेटे हैं राइट, उसमें से निखिल को आप स्पोर्ट्समैन, वो स्पोर्ट्समैन है मींस जूडो कराटे समथिंग, उसमें शायद नेशनल लेवल पे वो तैयारी कर रहा है, खेल भी रहा है, तो निखिल के बारे में कुछ बताइए। अब देखिए, निखिल को, निखिल की रुचि है मार्शल आर्ट में, तो उसमें अच्छा प्रदर्शन भी कर रहा है, और रही बात बढ़िया मेहनत कर लेगा तो नेशनल भी खेलेगा, हो सकता है भारत का प्रतिनिधित्व भी करे, तो इससे हम लोगों को ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो अभी फिलहाल जो उसका उद्देश्य है, जो मैं अभी तक समझ पा रहा हूँ, कि इसके प्रति तो अच्छा है, डिवोटेड है और चाहता भी है कि वो अच्छा करे, नेशनल खेले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उसको मौका मिले। तो फिलहाल अभी तो इसी क्षेत्र में वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है, साथ में पढ़ाई भी चल रही है। बाकी भविष्य के लिए लेकर के मैं कभी कोई मतलब निश्चितता नहीं है, क्योंकि उसकी रुचि जैसी होगी वो करेगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैसेज कीजिए, मेरे थ्रू आप सवाल पूछ सकते हैं उनसे। अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे बेस्ट, हर किसी के लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड होता है, चाहे वो कोई भी हो, और शायद वो अपने पार्टनर से कुछ बातें शेयर नहीं कर पाता लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड से हर बातें शेयर करता है, तो आपकी लाइफ में वो बेस्ट फ्रेंड कौन है? देखिए, इस तरह से तो यदि एक को मैं कहूंगा बेस्ट फ्रेंड है तो बाकी 3-4 जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि बचपन से जो मित्र रहा है, मतलब जिसे कहते हैं लंगूटिया यार, तो हाँ। उसमें शिव है जिनसे आपकी मुलाकात है, शिव प्रसाद सरोज, तो वो है। और जो बाद की लाइफ हुई, जब यूनिवर्सिटी में मैं गया, तो उस दौरान एक आशीष कुमार सिंह है जिन्हें सत्यम नाम से जाना जाता है, वो है हमारे बहुत अच्छे मित्र, ये बेस्ट फ्रेंड में आते हैं। तीसरा स्टेज जो है, जो नौकरी के दौरान का है, नौकरी के दौरान एक दुर्गेश प्रताप सिंह है, प्रतापगढ़ के हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। इस तरह से कुल मिला के 3 फ्रेंड हैं हमारे जो बेस्ट फ्रेंड हैं, अलग अलग कैरियर के हिसाब से। बाकी इसके अलावा जितने मित्र हैं, ऐसा नहीं कि वो मित्र बेस्ट नहीं है, लेकिन जब प्राथमिकता की बात आएगी तो मैं इन 3 का नाम लेता हूँ। ओके, तो फिल्म लाइन के बारे में आपकी क्या राय? ये फिल्म लाइन के बारे में राय सबकी, सभी की सकारात्मक होती है, अच्छी लाइन है, ये समाज को रिफ्लेक्ट करता है, समाज का आईना भी माना जाता है, इससे समाज प्रभावित भी होता है और समाज में होने वाले घटनाओं से प्रभावित होकर के फिल्में भी बनती हैं, अभी बहुत से लोगों की जीवनियों पे भी बनती हैं, या कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं, दिखाई जाती हैं फिल्मों में, जिसको लोग अनुसरण करते हैं और उसका अपने जीवन में फॉलो भी करते हैं। तो सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिल्में जो होती हैं समाज का आईना है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फिल्मों से जो अच्छी चीजें हैं वो अपने जीवन में उतारनी चाहिए। आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है? अगर मैं एक मूवी का नाम लूँ तो किस मूवी का नाम लेना चाहिए? तो बड़ा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। कौन सी कह रहे हैं? ये तो बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, कोई एक मूवी तो है नहीं। चलिए, 3 अपने फेवरेट 3 मूवी का नाम लीजिए आप। शोले, लाइफ टाइम मतलब किसी के मुंह से भी आप सुनेंगे, सही है।
सोले, और फिर इसके अलावा फिर बहुत सी फिल्में हैं जो मैं देखता हूँ, कई बार देखता हूँ, लेकिन शोले ही सबसे अच्छी फिल्म है। अच्छा शोले। तो शोले के अलावा अगर हम बात करें कि ऐसी कोई फिल्म जब आप गए हो सिनेमा हॉल में देखने और बोर हो गए हो, सिनेमा हॉल में ही सो गए हो। क्या चाहते हैं वो फिल्म मेकर्स हमारे ऊपर केस कर नहीं, कोई केस नहीं करेगा आपके ऊपर, दें? होता है, बहुत सारी फिल्में ऐसी होती है कि हम लोग देखने जाते हैं पर। तब शोले का रीमेक ही देखने गए थे, बड़ा उबाऊ लगा था, अच्छा, इलाहाबाद में थे। शोले का रीमेक जिसमें अमिताभ बच्चन जी गब्बर का करेक्टर किए थे, राम गोपाल जी वर्मा की आग समथिंग, जी वो जी जी देखा है जी आप? जी हाँ देखा है, बहुत उबाऊ लगा था। अच्छा, तो सो गए थे थिएटर में ही। नहीं सोया तो नहीं था, लेकिन उबाऊ बहुत लगा था। मतलब ये कोफ्त हो रही थी कि शोले की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है इसमें। ओके, तो आपके फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर कई हैं, जैसे पुरानी फिल्मों में सुनील दत्त को पसंद करता हूँ, इसके अलावा अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, ये मतलब ये तीन चार लोग हैं जो मेरे फेवरेट एक्टर हैं। ओके, और अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो आपकी फेवरेट फिल्म? भोजपुरी में फिलहाल वो जो काफी पहले फिल्म आई थी एक नदिया के पार, वो अच्छी लगी थी। ओके, अभी लेटेस्ट में कोई मूवी नहीं देखी आपने? लॉकडाउन में कुछ नहीं देख पाया। मूवी तो बहुत दूर की बात है। हाँ, तो भोजपुरी अगर एक्टर की बात करूं तो फेवरेट एक्टर एक्टर? हाँ हमारे लिए तो आप ही फेवरेट हैं। चलिए, आप लोगों का प्यार दुलार है वो बड़ी बात है। और एक्ट्रेस की बात करें तो अब भोजपुरी एक्ट्रेस में तो इस समय एक ही नाम का डंका बज रहा है, आम्रपाली दुबे। अच्छा, तो अच्छी वो आपकी फेवरेट है? लगती है, फेवरेट तो हमारी बस एक ही है। ओके हाँ हाँ नहीं, सही है सही है सही है। अभी भाभी साथ में है क्या आपके? हाँ, हाँ इसीलिए इसीलिए आप बहुत संकोच संकोच से बात कर रहे हैं। नमस्कार बोलिए उनको हमारी तरफ से कि उन्होंने नमस्कार का जवाब दिया है, नमस्ते करके। हाँ। चलिए अच्छा है, जल्दी ही आम्रपाली जी के साथ भी मूवी कर रहे हैं तो मुलाकात होगी अपनी। तो आगे इन फ्यूचर हाँ में क्या प्लान है? हम लोगों को रिटायरमेंट के पहले तक तो नौकरी ही करनी है, हाँ तो इसके लिए अलग से कोई प्लान तो होता नहीं है, जैसी चुनौतियां आती हैं हाँ उसको सामना किया जाता है। तो बीच में आप एक फिल्म बनाने का भी प्लान कर रहे थे कुछ दोस्त लोग मिलके, तो किस नहीं तरह ये की फिल्म के बारे में सोच रहे थे? अच्छा, नहीं फिल्म बनाने का काम देखिए आपका है, सुजीत शर्मा का है, आप लोग बनाएंगे। जी हम तो सुजीत जी तो डायरेक्टर हैं, हम एक्टर हैं, बाकी एज अ मतलब फ्रेंड आप बीच में बातचीत भी चल रही थी, तो किस तरह का थॉट आप रखते हैं कि किस तरह की फिल्म बननी चाहिए? नहीं देखिए फिल्में तो ऐसी होनी चाहिए जो समाज को एक अच्छा संदेश दें, हाँ समाज की समस्याओं को उठाएं, लोगों को जागरूक करें, ऐसी फिल्में होनी चाहिए। हाँ एंटरटेनमेंट आवश्यक है, क्योंकि देखिए एकदम आर्ट मूवीज बना देने पे भी बहुत अच्छा नहीं लगता है, आर्ट मूवी के दर्शक भी ऑडियंस भी बहुत कम होते हैं, कमर्शियलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन ये है कि जो है कमर्शियल फिल्में होती हैं उसमें कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कुछ संदेश समाज को मिले। हमारे साथ नीलेश भाई जुड़े हुए हैं। नीलेश भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? लालमणि जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत सारे दर्शक हैं जो हाय बोल रहे हैं, नमस्कार बोल रहे हैं आपको, और आपको कह रहे हैं कि आप जो
जो इस वक्त जॉब पे कर रहे हैं उसके लिए सब थैंक यू बोल रहे हैं आपको। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। और एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ कलर्स कलर्स के नाम लेते हैं, कलर्स के, ठीक है, उसको कौन से दोस्त के साथ जोड़ना चाहेंगे आप और क्यों? ठीक है, सपोज कीजिए पिंक। पिंक, देवेंद्र मणि हाँ विश्वास, रिंकू हाँ नाम है, देवेंद्र मणि विश्वास, रिंकू। ओके। रेड रेड, शिव प्रसाद सरोज, हाँ? शिव प्रसाद सरोज। अच्छा, क्यों उनके साथ रेड कलर जोड़ना चाह रहे? अच्छा अरे भाई, एग्रेसिव मैन है बचपन से ही, हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट करके आज यहाँ तक पहुंचा है। ओके। ग्रीन, ग्रीन सुजीत शर्मा। ओके। क्यों आदत के सुजीत? अनुरूप ही है, हाँ सुजीत शर्मा के लिए आदत के अनुरूप ही है ग्रीन। ओके। एंड ब्लैक? ब्लैक तो मैं अपने लिए लूंगा क्यों? व्हाइट व्हाइट? व्हाइट के लिए हम आपको देते हैं। अच्छा क्यों? आपने अपने लिए ब्लैक दिया, मेरे लिए व्हाइट दिया, कुछ खास रीजन? देखिए, आपके सामने पूरा भविष्य है, आप सफेद कागज पे, जैसे सफेद कागज जो होता है उस पे कुछ भी बनाया जा सकता है। आप अभी भोजपुरी फिल्मों के संघर्षरत कलाकार हैं और आपके सामने पूरा भविष्य है। आप उस पे, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं कामना करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि उस पे एकदम रंगीनियाँ ला दें। सही है सही है। उसके बाद कुछ आप मुझसे पूछना चाहेंगे? आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपका आपकी अगली फिल्म कौन सी आ रही है और किस, इसका मतलब वो प्लॉट क्या है? अभी ये वादा रहा फिल्म के बाद, मेरा दिल मिल गए पोस्ट प्रोडक्शन पे है, ठीक है, जो कि एक लव स्टोरी फिल्म है, बट उसमें एक मैसेज है कि प्यार ही सब कुछ नहीं होता, फैमिली से बड़ा प्यार नहीं होता। अगर फैमिली नहीं है तो प्यार नहीं, और प्यार नहीं है तो जी फैमिली, तो प्यार और फैमिली के बीच में सामंजस्य बिठाना चाहिए। तो वो एक जी मैसेज बहुत अच्छा है कि किस तरह से प्यार को और फैमिली को साथ में लेके चलना चाहिए, दोनों के बगैर इंसान अधूरा है। तो वो एक चीज है। और उसके बाद एक, अभी जो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है आम्रपाली जी, उनके साथ एक फिल्म है मेरे रंग में रंगने वाली, उसका प्लान चल रहा है। तो अभी लॉकडाउन की वजह से शूट नहीं हो पाया, नहीं तो हम शूट करते उसको, तो अभी लॉकडाउन के बाद वो शूट होगा। उसके बाद दो फिल्में और हैं, होपफुली हम सितंबर अक्टूबर में शूट करेंगे। तो अभी यही ये तीन फिल्में हैं जिसमें से एक भाई है, और एक सुजीत के साथ में ही हम लोग प्लान कर रहे हैं, अपने ही एरिया का, एक सत्य घटना पे आधारित है, शहीद जूही सिंह जी का नाम सुने होंगे आप, तो उस पे हम लोग का डिस्कस चल रहा है कि उस पे हम लोग कुछ वर्कआउट किया जाए और काम किया जाए। तो इस तरह से प्लान कर रहे हैं हम लोग फिल्मों का। अभी जो अब लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ बंद पड़ा हुआ, आप देखिए। नहीं, उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी लॉकडाउन में शिथिलता आए और आप लोगों का ये जो प्रोजेक्ट है शुरू हो और आपको बहुत बहुत सफलता मिले। और जब आपको सफलता मिलेगी तो नो डाउट हमारे सूर्यावा का नाम होगा, और जब सूर्यावा का नाम होगा तो हम लोग बहुत गौरवान्वित होंगे। हाँ, सूर्यावा, अभी तो सूर्यावा का बहुत नाम हो रहा है, देखिए क्रिकेटर भी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, राइट, यशस्वी जायसवाल भी तो सूर्यावा से ही जी हैं। हाँ हाँ, तो इस तरह से
अंडर 19 में बहुत बढ़िया किया उस लड़के ने। हाँ, बहुत अच्छा किया, बहुत मेहनत किया। और कुछ, और कोई सवाल जो आप पूछना चाहेंगे या मेरे थ्रू हमारे इंडस्ट्री को? सभी लोग मुंबई और दिल्ली से लौट आए, हाँ आप कब लौट रहे हैं? देखिए, दो रीजन है। एक रीजन तो सबसे पहली बात यह है कि पहली बात मैं ये मानता हूं कि वापस लौटना ही कोई सलूशन नहीं है। हम चाहे मुंबई में रहें चाहे यूपी में रहें, ठीक है, तो मुंबई और यूपी में कोई फर्क नहीं है मेरे लिए। जन्मभूमि अगर मेरा यूपी है तो कर्मभूमि मेरी मुंबई है। और दूसरी बात ये थी कि जो लोग सक्षम है उनको भागना नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, अपनी सेफ्टी कर सकता हूँ, तो मुझे रुकना चाहिए, क्योंकि एक साथ अगर सब लोग निकलेंगे घर के लिए या जाएंगे तो बहुत ज्यादा क्राउड होगा, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, चाहे हम बाई रोड जाएं चाहे बाई ट्रेन जाएं। जिनके पास ऑप्शंस नहीं है पहले उनको जाना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, जो हमसे हो सका, जितने लोगों का हेल्प करने के लिए मैं कर सका, वो यहाँ पे रह के मैंने लोगों की हेल्प की। सिर्फ मैंने नहीं, मेरे एक प्रोड्यूसर है बीबी जायसवाल जी, जिनकी फिल्म मेरे रंग में रंगने वाली मैं कर रहा हूँ, उन्होंने काफी लोगों को, उनके साथ मिलके हम लोगों ने काफी लोगों को यहाँ पे हेल्प किया है। तो वो भी एक बहुत जरूरी था कि हम किस लेवल पे क्या कर सके। अगर हम यहाँ से चले जाएं गांव, फिर यहाँ की भी इंडस्ट्री है, यहाँ के भी लोग हैं, तो कोई मतलब नहीं बनता था। तो मेरा एक ही पॉइंट था कि आप जहाँ हो वहीं पे सबसे सुरक्षित हो, वहां से ना निकलो, वही सबसे अच्छा है। जो लोग जैसे मजदूर हुए, जिनके पास घर नहीं था, या जो जो एक ही घर में 8-8, 10-10 लोग थे, तो वो लोगों को जाना जरूरी था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी धीरे धीरे माहौल सही हो रहा है, तो अब काम भी शुरू हो रहा है, तो अब आना जाना होगा तो हम जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और अभी रिंकू नाम से हम लोग बुलाते हैं, बचपन का नाम रिंकू है, लिख रहा है, कोई क्या रोल बोल रहे हैं? मुझे भी आवाज मिले, आवाज करने का मौका हमें मिले भी मिले। हाँ, अच्छा हेलो। एक चीज और था, कल सुजीत से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला था यार, और मुझे भी सरप्राइज हुआ था, अचानक से आप लखनऊ से आए आए थे, हम लोगों की मुलाकात हुई थी, उसके बाद से फिर हम लोग का सिचुएशन बन नहीं पाया कि हम लोग कब मिले, कैसे मिले। तो अगला प्रोग्राम कब बन रहा है, हम लोग कब मुलाकात होने के आसार लग रहे हैं? अब देखिए, मुलाकात के लिए तो आपको मुंबई से यूपी आना ही पड़ेगा, जी क्योंकि मेरा मुंबई आना संभव नहीं है। तो या फिर मैं लंबी छुट्टी लूं तब आ सकता हूं। वैसे एक दो दिन की छुट्टियों में यूपी में मुलाकात हो सकती है। अब मुझे लगता है कि नो डाउट जब आपका प्रोजेक्ट शुरू होगा तो आप यूपी का रुख करेंगे, तो उस दौरान कोशिश की जाएगी कि मुलाकात हो जाए। और जब मुलाकात होगी तो पार्टी मेरी ओर से रहेगी जैसा कि पिछली बार था, और धमाल करेंगे। और हो सकता है यदि आपकी कोई फिल्म जो है उस दौरान रिलीज होती है तो उसके सक्सेस पार्टी भी मेरी ओर से ही होगी। जरूर जरूर जरूर, हम लोग साथ में मिलेंगे, पुराने दोस्त, सारे दोस्त लोग, जितने भी लोग रहेंगे सब लोग। बहुत सारे लोग आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप, पहले एक सवाल आया है कि आप अपने, क्या बोलते हैं, कि जो पब्लिक होती है जो बाहर रोड पे निकलती है या जो जिन लोगों से, तो उनको किस तरह से क्या बोलते हैं, किस तरह से उनको समझाते हैं? नहीं, जैसे ये इस लॉकडाउन के दौरान जो बाहर पब्लिक निकलती है उनको, नहीं ये क्या प्रश्न है, मतलब किस तरह की पब्लिक, जैसे कि मार्केट में निकलने वाली पब्लिक या सड़कों पे निकलने वाली पब्लिक? मार्केट, सड़कों, जिनसे भी आपकी मुलाकात होती है। नहीं तो जैसे वही बात बताई जाती है इस दौरान सभी के लिए एक समान, कि यदि मार्केट में निकल रहे हैं तो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पर मास्क जरूर लगाएं, और कोशिश ये करें कि एक एक घंटे पर हैंड सैनिटाइज करते रहें,
और यथासंभव कोशिश ये करें कि न निकलना पड़े, बहुत ही आवश्यक हो तभी निकले बाहर। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। जल्दी मुलाकात करेंगे, और जब भी यूपी आते हैं आप भी प्लान कीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग और कुछ प्रोजेक्ट्स प्लान करते हैं, साथ में मिलके करते हैं। चलिए। ठीक है, हम हाँ तो हमेशा सभी के सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। हाँ ये वादा रहा, और मैं स्पेशल थैंक्स ये वादा रहा कि टीम में आपका भी एक बहुत सहयोग था रिलीजिंग के टाइम पे, तो सारी टीम की तरफ से धन्यवाद है आपको। और अभी मिलेंगे, साथ में मुलाकात होगी। अब देखिए, अभी हम दो लोग जो दो शूटिंग करने वाले हैं तो यूपी में ही करने वाले हैं, तो वहां पर सारी टीम से मुलाकात भी होगी। अभी दो बहुत सुंदर मैसेज मैं पढ़ मुलाकात रहा रही। हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक है देवेंद्र विश्वास का मैसेज है, आपस में ही बात करेंगे या हम लोगों की बात का जवाब भी देंगे। अच्छा और अच्छा तो भाई दूसरा है, ठीक है, पूछिए आपको क्या है। दूसरा जो है सुजीत शर्मा है, वो लिख रहे हैं, जय भाई चंदू भाई, ऑडियंस का भी जवाब दो। तो इसमें जो है ऑडियंस के प्रश्न तो मेरे उसमें स्क्रॉल पे दिख नहीं रहा है। हाँ, फिर से सवाल पूछिए। क्या क्या सवाल पूछ रहे हैं आप चंदू भाई, पूछिए सवाल। नहीं, जैसे मुझसे कोई सवाल ये पूछ रहा है तो मुझे कोई सवाल दिख नहीं रहा है हमारे स्क्रीन पे। अच्छा हाँ, लेकिन तो ये जब अभी जब फिर से तो आप अपना सवाल पूछिए। आपस में बात करते रह गए, तो आप लोगों का जवाब बहुत लोगों का नहीं दे पाए हैं, तो जो जिनको फिर से कुछ सवाल पूछना है वो आप फिर से उस पर टाइप कीजिए। विजय राज यादव हमारे दोस्त हैं। थैंक यू भाई, कैसे हो आप? तो गांव पहुंच गए, आनंद ले रहे हो गांव का। उदित रिंकू, भाई कहाँ हो, क्या पूछ रहा है, कौन पूछ रहे हैं, फिर से टाइप कीजिए आप। रिंकू, रिंकू यादव भी जुड़े हुए हैं, हमारे कजिन ब्रदर। कैसे अच्छा हो भाई? उसके बाद कृष्णा यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी नमस्कार। सवाल ये है कि वादा रहा फिल्म में मेरे साथ देखने अच्छा के लिए, कब कब साथ में देखने के लिए पूछ रहे हैं। मेरे साथ व्हाइट से देखेंगे, साथ देखेंगे। अच्छा, ये वादा रहा फिल्म कब आप साथ में देखेंगे, सुजीत जी पूछ रहे हैं। जल्दी देखेंगे। शैलेंद्र आप भाई रिलीज हाँ करवाइए। पूछ रहा है कि ये वादा रहा फिल्म आप साथ में कब देखेंगे। आप दिल्ली में कब रिलीज कर रहे हो? दिल्ली में कब रिलीज कर रहे हो? दिल्ली में रिलीज करो तो चलो साथ में देखते हैं। अभी के सिचुएशन पे तो रिलीज होना पॉसिबल नहीं है, तो अभी के सिचुएशन पे हम लोग या तो फिर लैपटॉप पे या फिर टीवी पे आएगा, तभी हम देख सकते हैं। तो फिर साथ में देखने की बात है तो थिएटर में ही मजा आएगा ना। तो हाँ, तो इंतजार अभी करते हैं, सिचुएशन तो लॉकडाउन थोड़ा हटने सा, देते हैं, दिल्ली में रिलीज हो, फिर उसके बाद साथ में देखते हैं। मेरे लिए तो यहाँ से दिल्ली नजदीक है ना। हाँ तो फिर दिल्ली हम लोग को आना होगा। आइए, सुस्वागतम। निहाल शेख जी हैं, पूछ रहे हैं कि आपकी मूवी यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रही है अभी। भाई अभी लॉकडाउन के बाद मूवी आएगी यूट्यूब पे, और पहले वो टीवी पे आएगी, उसके बाद यूट्यूब पे आएगी। तो लॉकडाउन के बाद अब शायद 1-1.5 महीने में आपको टीवी पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा सोनू सिंह जी नमस्कार, कैसे हैं आप? हमारे साथ निहाल, में हाँ निहाल शेख, आपकी मूवी यूट्यूब पर क्यों नहीं आ रही? अभी क्या तैयारी करवा रहे हैं आप निखिल के लिए? निखिल के लिए कैसे तैयारी करवा रहे हैं आप? निखिल के लिए अभी तो फिलहाल उसका जो कोचिंग सेंटर है उसका, वो तो फिलहाल बंद है, घर पे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं निखिल। ओके,
और कनक पांडे जी हमारे साथ में। नमस्कार कनक जी। करण पांडे है, कैसे हो भाई? नमस्कार। ये हमारे भी इंडस्ट्री के वन ऑफ द नोन एक्टर्स में एक है करण पांडे जी। और इस समय क्या बोलते हैं कि एक एरिया है मीरा भाईंदर, वहां पे एक तरह से ये जितने भी लोग जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो करण भाई को सल्यूट है। जय हिंद भाई, आप जो काम कर रहे हो बहुत सराहनीय है। और शैलेंद्र जी भी उसी से जुड़े हुए हैं, तो उनकी तरफ से भी आपको थैंक यू। एक हमारे मित्र यूनिवर्सिटी के दौरान के घनश्याम जी, सुजीत जी को नमस्कार जो देख रहे हैं। सुजीत जी ने क्वेश्चन पूछा है, अगर आप कोई हम फिल्म करें और उसमें कोई अगर करेक्टर हो तो आप करना चाहेंगे आपके हिसाब से? किसको किससे पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं कि अगर अगली फिल्म में कोई करेक्टर लिखा जाए तो आप करना चाहेंगे अगर एज एन एक्टर? आपके लिए कुछ वही नौकरी छुड़वाओगे मेरी सुजीत? क्यों तो आप मैं तुम्हारे फिल्मों का डायलॉग लिख दूंगा। नहीं नहीं, कोई कोई एक्टिंग तो कर सकते हो, मतलब क्या एक्टिंग करेंगे तो जॉब छोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली सरकारी नौकरी करने वाले एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं कर सकते ना। नहीं मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम है मतलब क्या, वो एक कई सारे ऑफिसर्स को तो देखते हैं कि कभी एक एक आध दिन की मतलब कोई एक करेक्टर है आप करके जाए तो उसमें कोई दिक्कत क्या? रूल्स में होता है कि आप एक्ट कर ही नहीं सकते? नहीं ऐसा नहीं है, जैसे वो है ना कि नौकरी के साथ साथ किसी भी लाभकारी कार्य को नहीं किया जा सकता है। ओके, तो एज एन एक्टर आप काम नहीं कर सकते? और एक्टर के लिए देखिए, आप जैसे सुंदर हम लोग तो करेंगे, हमारी ही फिल्मों में अगर कोई एक ऐसा करेक्टर हो, मान लीजिए कोई ऑफिसर्स का ही करेक्टर हो या फिर कोई प्रोफेसर का करेक्टर हो या कुछ हो, जो एक दिन का काम हो, जिस दिन छुट्टी हो आप आए और करके चले जाएं, कुछ जहाँ एक्टिंग देखिए, एक्टिंग जिसके रकम होता है वो कर सकता है, हम जैसे लोग क्या एक्टिंग करेंगे। सही बात, सही बात है। राहुल दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार भाई, हमारे पुराने मित्र हैं। उनके साथ मैं भी जब जॉब पे था तो हम लोग साथ में जॉब पे थे, उनको भी नमस्कार। इसके थ्रू काफी लोग आ रहे हैं। सुजीत जी बोल रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, नौकरी छोड़नी नहीं पड़ेगी। हाँ वही डायरेक्टर है, डायरेक्टर तो कठपुतली को नचा दे। हाँ बात तो सही है। सुजीत जी से कुछ पूछना चाहेंगे आप, कुछ कहना चाहेंगे सुजीत जी को? सुजीत से मेरा यही कहना है कि इनकी जो अगली फिल्म की मतलब जो प्लॉट तैयार किया जा रहा है जिसकी शूटिंग होनी बाकी है उसमें, खैर इनकी जो पिछली फिल्म थी ये वादा रहा, काफ़ी उसको सराही गई पूर्वांचल में, विशेषकर वो बनारस क्षेत्र में, भदोही में, जौनपुर में, इलाहाबाद में। तो इस बार मतलब ये मैं दुआ करता हूँ कि जो पिछली फिल्म थी उससे कहीं बेहतर ये अगली अपनी अगली वाली फिल्म बनाइए। और सृष्टि, सृष्टि ये वादारा फिल्म की एक्ट्रेस है सृष्टि बिलाई ने, कैसे हो सृष्टि? तो आपने तो सारे बातों का जवाब ऐसे दिया कि मतलब लोगों को बैलेंस करते हुए कि किसी को कुछ बुरा ना लगे, कोई चीज ऐसी ना हो जो बचपन से ही आप बैलेंसिंग रहे हैं, सुनने में आया है कि है ना, कोई भी जवाब ऐसा नहीं रहा कि एक होता ना कि दो टुक में जवाब देते हैं कि मेरे दिल में आया, मैं सामने वाले के बारे में ये सोचता हूँ ये बोलना है। आपने सरकार के बारे में भी एकदम बैलेंसिंग जवाब दिया, आपने दोस्तों के बारे में भी एकदम बैलेंसिंग जवाब दिया, आपने
बचपन में अपने टीचर्स के बारे में भी एकदम बैलेंसिंग जवाब दिया। अच्छा एक सवाल मैं पूछता हूँ, अब इसका बैलेंसिंग जवाब मत दीजिएगा आप, जो कट टू कट, जब हम बचपन में पढ़ाई करते तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं कि सिर्फ खासकर किसी खास बच्चे पे ध्यान देते हैं, या फिर आते हैं और अपना कब जाना है ये सोचते हैं, तो ऐसे कोई टीचर रहे हो आपके टाइम पे? फिलहाल मेरी जो स्कूलिंग हुई है तो उसमें इस तरह के लापरवाह कोई टीचर नहीं था। अलबत्ता एक हमारे बहुत अच्छे गुरुजी थे, तो आप कह सकते हैं कि मैं फिर बैलेंसिंग जवाब दे रहा हूँ, एक गुरुजी थे दीनानाथ तिवारी जी, जिसे DNT गुरुजी हम लोग कहते थे। वो बहुत अच्छे से पढ़ाया करते थे, वो भूगोल पढ़ाते थे और अंग्रेजी भी पढ़ाते थे। तो उस समय मैं PKS कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करता था, जो सूर्यावां के स्टेशन के उत्तर तरफ है। तो वो मतलब इतना मतलब मन लगा के पढ़ाते थे और हम लोगों को प्रोत्साहित करते थे। उस दौर में जब हम लोग जूनियर हाई स्कूल में थे, तो उस दौरान इस तरह के प्रोत्साहित करने वाले टीचरों की संख्या नगण्य हुआ करती थी, कि बच्चों को जो प्रोत्साहित करें और पीठ थपथपाएं और उनको मतलब ये इस बात का के लिए मतलब प्रोत्साहित करें कि तुम भविष्य में ये करोगे, बहुत अच्छा काम करोगे, बहुत आगे जाओगे, इस तरह की प्रेरणा देने वाले बहुत ही कम टीचर थे, जिनमें वो DNT गुरु जी हमारे थे। आज भी मैं उनको मतलब बहुत ही इज्जत के साथ याद करता हूँ। हमारे इंडस्ट्री के डायरेक्टर एंड DOP रह चुके प्रदीप शर्मा जी भी हैं। नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? हम लोग अच्छे हैं। हमारे एक रिलेटिव हैं उमेश जी, वो भी हम लोग को देख रहे हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? अभी वो US से देख रहे हैं, तो वहाँ के हालात कैसे हैं? होपफुली आप लोग वहाँ पे सेफ होंगे। हमारे एक रिलेटिव है, कजिन ब्रदर है, वो पूछ रहे हैं कि आपके अच्छा यूट्यूब पे मूवी कब आ रही है? तो यूट्यूब पे मूवी भाई अभी अभी जवाब दिया मैंने थोड़ा टाइम पहले कि इस लॉकडाउन के बाद 1-1.5 महीने के बाद पहले TV पे आएगी, उसके बाद यूट्यूब पे आएगी। तो भाई अच्छा लगा आपसे बात करके। आम जनता के बारे में बोलिए, उसके बाद हम लोग ये वार्तालाप यहीं पे खत्म करेंगे। दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहें और सेफ और सुरक्षित रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जय यादव जी, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं जनता को यही कहना चाहूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं बाहर जब भी निकले, और समय समय पर हैंड सैनिटाइज करते रहें, धैर्य रखें, अफवाहों से बचें, और कोरोना को तो जाना ही है। धन्यवाद। जाना तो पड़ेगा उसको, नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा। चलिए ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।